ट्रिब्यूनल और बैंकों के बीच तू डाल डाल में पात पात का खेल चल रहा है। एक शख्स के पास ना कोई ओटीपी आया और ना ही किसी लिंक पर उसने क्लिक किया, ना ही कोई ऐसा मैसेज आया, सिर्फ एक ब्लैंक कॉल आई और बैंक अकाउंट से 48 लाख रुपए उसके निकल गए। साइबर ठगी का यह हैरान कर देने वाला केस दिल्ली का है, जहां एक सिक्योरिटी सर्विस के निदेशक योगेश यादव से ठगों ने बिना ओटीपी पूछे उनकी कंपनी के अकाउंट से 48,63,000 रुपए निकाल लिए। ये 11 नवंबर की बात है, जब योगेश के पास पहले कुछ ब्लैंक मैसेज आए और कुछ देर बाद ठगों ने उन्हें फोन करने शुरू कर दिए। योगेश ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। कुछ देर बाद योगेश ने मैसेज देखने के लिए अपने मोबाइल फोन को चेक किया तो पता चला कि उनके अकाउंट से पैसे कट गए। अभी तक तो ये कहा जाता है कि अगर आपने किसी को ओटीपी नहीं बताई तो आपके साथ बैंक फ्रॉड नहीं हो सकता, लेकिन अब साइबर क्रिमिनल्स ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है और दिल्ली में बिना ओटीपी बैंक फ्रॉड का यह पहला मामला बताया जा रहा है। देखिए कि किस तरह से यह खिलवाड़ यहां पर किया गया। और इस वक्त मेरे पास पीड़ित योगेश की उस शिकायत की कॉपी है जो उन्होंने पुलिस को दी है। ये वो कॉपी है जिसमें उन्होंने पुलिस को तमाम जानकारी दी और इसमें उन्होंने कहा है कि किस तरह से उनके अकाउंट से पैसे निकाले गए हैं, यानी आप ये जानिए कि कितने ट्रांजेक्शन किए गए और ये ट्रांजेक्शन 5 बार किए गए हैं। और इसमें उन्होंने लिखा है कि RTGS के थ्रू शांतु भौमिक के अकाउंट में लगभग 12 लाख रुपए RTGS किए गए, यानी फंड ट्रांसफर किया गया। इसमें एक बड़ा पॉइंट ये है कि ये फ्रॉड RTGS के जरिए यानी रियल टाइम ट्रांसफर के जरिए हुआ है और 4 बार में 48 लाख रुपए से ज्यादा निकाल लिए गए। पहला ट्रांजेक्शन 12 लाख का है और ये शांतु भौमिक नाम के शख्स के बैंक अकाउंट में गए। दूसरा ट्रांजेक्शन भी 12 लाख का है जो भास्कर मंडल नाम के शख्स के बैंक अकाउंट में गया है और 2 ट्रांजेक्शन 10-10 लाख की है और 5वीं ट्रांजेक्शन 4,63,000 रुपए की है। और इस तरह कुल 48,63,000 रुपए का ये बैंक फ्रॉड हुआ है। और ये साथ ही साथ उसने ये मेरे पास इस वक्त ये पूरी कॉपी है कि उनके अकाउंट से किस तरह से पैसे निकाले गए और ये पूरा लेखा जोखा इसमें मेंशन है। साथ ही साथ इसमें जो शिकायत की गई है उसी में 5 ब्यौरे यहाँ पे रखे गए हैं, अकाउंट के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही साथ बताया गया है कि RTGS किस अकाउंट में हुआ, शख्स का नाम क्या है और कितने अमाउंट वहां पर ट्रांसफर किए गए। सबसे पहले बताया कि कितने बजे ये कॉल आया था और क्या वो मिस कॉल था या फिर कैसे आपके पास ये कॉल आ रहा है, अकाउंट से पैसे कैसे कट गए? ये मिस कॉल नहीं था सर, बेसिकली ये सभी कॉल्स थी और संडे को 30 नवंबर को मेरे पास कॉल आता है, लगभग 100 कॉल्स आए हैं, वो सब कंप्यूटराइज कॉल थी, ना कि कोई जैसे मोबाइल नंबर होते हैं लाइक इस तरह के नहीं थे। हम कोई कॉल डिस्कनेक्ट करते हैं तो अगेन एक नए नंबर से कॉल शुरू हो जाती है, तो इस तरह ये सिलसिला लगभग 1-1.5 घंटे चलता रहा और बीच में हमने जैसे फ्लाइट मोड पर किया फ़ोन तब वो बंद होता था, लेकिन हमने देखा इन बिटवीन जैसे हमने फ्लाइट मोड पर अपना फ़ोन किया कुछ समय के लिए तो उसमें हमारे जो मैसेज आए डेबिट के 12-12 लाख की 2 ट्रांजेक्शन के, 10 लाख की 2 ट्रांजेक्शन के और 4,63,000 के ट्रांजेक्शन के, उसके लिए हमने तुरंत मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा के जो जहाँ पर हमारा अकाउंट है उस मैनेजर से, मेरे पास नंबर सेव है तो मैनेजर से बात की, तो मैनेजर ने मुझे गाइड किया कि 1930 पे आप कॉल कीजिए सो दैट आपका अमाउंट वहाँ पे। कोई ओटीपी आया था आपके पास जब ये कॉल आ रहा था? नहीं, कोई ओटीपी हमसे ना लिया गया ना कोई ओटीपी आया उस ट्रांजेक्शन का, सिर्फ हमारे पास डेबिट के SMS आए हैं। अच्छा, जब ये कॉल आ रहा था तो क्या उस कॉल में कोई आपसे बात कर रहा था, कोई नंबर या ओटीपी शेयर कर कुछ इस तरह की बातें हुई? नहीं नहीं, कोई आप वहाँ से मतलब सामने से कोई वॉइस नहीं आ रही थी, हम हेलो हेलो कर रहे थे, 1-2 कॉल हमने उठाया भी था बट कोई जवाब नहीं आता था, इसलिए हमने बाकी कॉल्स उठाए भी नहीं, 1 कॉल के बाद हमने कोई कॉल उठाया नहीं। रिंग लगातार आपके कॉल पर हो रहा? यस, रिंग मैंने बताया ना, जैसे ही हम एक नंबर को डिस्कनेक्ट करते हैं तो अगेन एक नंबर दोबारा से एक नया डिस्प्ले पे आ जाता, तो इस तरह से 90-95 प्लस के नंबर्स वो कंटिन्यू मैंने काउंट किए थे मोबाइल में, तो लगभग 100 कॉल्स आई हैं। अमीर लोग बैंक से लोन लेकर इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि बैंक से मिलता है अधिकतम 8% सालाना ब्याज, जबकि सक्सेसफुल बिजनेसमैन इन्वेस्ट करके यानी ना किसी लिंक पर उन्होंने क्लिक किया ना ही ओटीपी आया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बिना ओटीपी ये बैंक फ्रॉड हो कैसे गया।
इस मामले में पुलिस को शक है कि इस ठगी को अंजाम देने के लिए साइबर ठगों ने सिम स्वैप किया है। लेकिन यह सिम स्वैप क्या होता है यह भी आपको जानना चाहिए। सिम स्वैप के लिए सबसे पहले साइबर क्रिमिनल किसी के सिम की डिटेल्स हासिल करते हैं, फिर उन डिटेल्स के जरिए सिम को क्लोन करके नकली सिम बना लिया जाता है। उसके बाद हैकर आपके फोन नंबर के सिम को अपने नाम से एक्टिव कर लेता है, और एक बार सिम एक्टिव हो जाने के बाद साइबर ठग के पास आपके फोन पर कंट्रोल हो जाता है। और सिम स्वैपिंग का एक और जरिया यह भी है जिसका इस्तेमाल स्कैमर करते हैं। स्कैमर खोए हुए सिम या सुविधा के बहाने मोबाइल ऑपरेटरों से संपर्क करते हैं और उसी नंबर का नया सिम कार्ड ले लेते हैं। एक बार नया सिम कार्ड एक्टिवेट हो जाने के बाद वो पीड़ित के मोबाइल नंबर पर कंट्रोल प्राप्त कर लेते हैं, और फिर पीड़ित के सभी ओटीपी नंबर और एसएमएस स्वैप किए गए सिम पर आने लगते हैं। इस तरह हैकर्स पीड़ित के अकाउंट से खुद के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर लेता है। सिम स्वैप से मोबाइल नंबर के जरिए ओटीपी हासिल किया जा सकता है, फिर आपके बैंक अकाउंट से तमाम पैसे निकाले जाते हैं। और दिल्ली में 48 लाख से ज्यादा की साइबर ठगी के केस में ऐसा ही हुआ होगा, इसकी संभावना साइबर एक्सपर्ट्स भी जताते हैं। तेजी से जो साइबर